हेलो भाई, देखो मैं पहली बार अनानास काटने जा रहा हूँ। इसको काटने में शायद आपको थोड़ा टाइम लगे। मैं डिजाइन अनानास काटूंगा और देखिए बहुत बढ़िया है, पका हुआ अनानास है, काफी मीठा होगा। और इसको नीचे का भी हिस्सा काट रहे हैं बराबर बैठने के लिए। ठीक, ये नीचे काट लिए। अब इसको हम छीलते हैं। देखिए पहली बार काट रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है और एक्सपर्ट रहते तो जल्दी काट देते हैं। देखिए थोड़ा रह गया है, देखिए अनानास पूरी तरीके से छिला गया। अब इसको हम इसको निकालेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम डिजाइन में निकालेंगे। इसको दोनों साइड से ऐसे क्रॉस काट के निकाला जाता है और डिजाइन में बनता है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह बढ़िया से कट गया, डिजाइन बन गया है एकदम फर्स्ट क्लास। और देखिए थोड़ा सड़ा भी इसमें है, इसको हम सड़े काट के निकाल देंगे, अलग कर देंगे। अब इसको छोटे छोटे पार्ट में काटते हैं और उसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा इसका टेस्ट है। ये डिजाइन आप घर पे भी बना सकते हैं। आप वीडियो को देख के जिस तरह मैंने काटा है उस तरह डिजाइन आप घर पे भी काट के बना सकते हैं। तो हो गया ठीक। और इसमें क्या करना आपको, ये बीच वाला हिस्सा जो होता है ये निकाल देना रहता है। ये बीच वाला हिस्सा निकाल देने पे ये और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद मीठा लगता है। क्योंकि बीच वाला हिस्सा जो होता है ना ये फीका होता है, इस वजह से बीच वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है। तो हम निकाल दे रहे हैं बीच वाले हिस्से को ठीक। और इसको इसका टेस्ट करना है, इसका टेस्ट कैसा है। तो हम गोल काटना चला इसको भी काट दे रहे हैं ठीक, सारा काट दे रहे हैं। देखिए बीच वाला हिस्सा काट के निकाल दे रहे हैं। देखिए बीच वाला हिस्सा काट के निकाल दिए सब। ये देखिए इतना निकल गया, चार चार हिस्से काटे, चारों निकल गया ठीक। अब इसका स्वाद हम चेक करेंगे कैसा स्वाद इसका है। और थोड़ा पतला काट दे रहे हैं कि घर में और भी सब सदस्य खा लें। देखिए पहले झींगा ही काट दीजिए। Thank you.
ये देखिएगा कितना बढ़िया बनाया है डिजाइन। ये आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, मैं पहले इसको टेस्ट करूं। बहुत मीठा है इसका, इसका पत्ता खाने का स्वाद ही अलग होता है।